नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मुरादाबाद के कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बंगाल को केंद्रीय धन उपलब्ध कराने में भेदभाव कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्य सरकारों को धन मिल रहा है, लेकिन उन्होंने बंगाल के लिए धन भेजना बंद कर दिया है। ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अचानक से ही हर फंड को बंद कर दिया है। उन्होंने 100 दिन के लिए पैसा भी रोक लगा रखा है, अन्य राज्यों को मिल रहा है और साथ ही उनके राज्यों को पैसा नहीं मिल रहा है। यह भेदभाव क्यों? कानून एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकता है, बंगाल में क्यों नहीं मिलेगा? ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। और बंगाल दुर्गा पूजा करता है, काली पूजा कराता है, बंगाल मकर संक्रांति मनाता है, बंगाल ईद भी मनाता है, हम हर धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, क्या ये हमारा अपराध है? हमें लगता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक ऐसा ही करेंगे और हमारे बाद आने वाले लोग भी इसे देखेंगे। और बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बता दें कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आई है और फंड में भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सारे पूजा करते हैं, सारे धर्म को एक महत्व देते हैं, क्या यह हमारा अपराध है? हमें फंड से पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? फंड हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहा है? बीजेपी सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है? और इस दौरान ममता बनर्जी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आई। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और तमाम आतंकी संगठन भारत पर हमले की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 26 जनवरी पर दिल्ली पंजाब समेत देश के कई शहरों में आतंकी हमले का इनपुट मिला है। आईएसआई ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए दाऊद गैंग के सदस्यों की मदद ली है। एजेंसियों ने देश में बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। मौजूद खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी ही नहीं, भारत में होने वाले G20 समिट पर भी आतंकी संगठन बड़े साइबर अटैक करने के मूड में है। इसे लेकर इस्लामिक स्टेट अलकायदा ने बता दें कि साइबर विंग साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तान ISI स्लीपर सेल और अवैध रोहिंग्यों के जरिए 26 जनवरी को दिल्ली और पंजाब में IED ब्लास्ट करवा सकती है। इतना ही नहीं, आतंकी लोन वर्ल्ब अटैक की भी फिराक में है। आतंकियों की साजिश है कि अगर 26 जनवरी को प्लान फेल हुआ तो दिल्ली में G20 समिट पर बड़ी आतंकी स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। और बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस पर आतंकी संगठन से जुड़ने का आरोप था, जिसको लेकर उनके घरों में भी तमाम चीज़ें पाई गई थी। और इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें देखा गया था कि वे जो दो आतंकी थे उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या करके उसका गला काट कर एक वीडियो पाकिस्तान में भेजा है, जिसके बाद से लगातार पुलिस मुस्तैद नजर आई, जाँच पड़ताल में जुटी हुई नजर आई। उसके बाद से आतंकी संगठन जो है बड़े साइबर अटैक हमले को लेकर लगातार बता दें कि तैयारी में जुटे हैं, जिसको लेकर प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर आतंकी संगठन जो है बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने को लेकर एक प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी ये कोशिश है कि अगर हम गणतंत्र दिवस पर सफल नहीं हुए तो हम G20 में इस आतंकी हमले को अंजाम देंगे। तमाम बड़े राज्यों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तमाम जगहों पर चेकिंग की जा रही है। वही रायबरेली जनपद के गरबक्सगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदा बहराइच राजमार्ग में पड़ने वाले खगड़िया खेड़ा
गांव में एक हुए सड़क हादसे में मौतों की गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी। उसी कड़ी में सपा प्रतिनिधि मंडल द्वारा मृतक आश्रितों को 1,00,000 रुपए का चेक वितरण किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी के बता दें कि ऊंचाहार विधानसभा से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे द्वारा बच्चों की शिक्षा और 20,000 रुपए की घोषणा की गई। साथ ही रायबरेली सपा जिला अध्यक्ष बता दें कि इंजीनियरिंग वीरेंद्र यादव द्वारा कहा गया है कि हम लोग सत्ता में नहीं है, परंतु मृतक परिजनों के साथ हमारी पूरी आस्था है और कंधे से कंधा मिलाकर इनमें दुख में इनके सुख में हम इनका सहयोग करेंगे। मौजूदा सरकार के द्वारा अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं की गई, जिससे साफ उजागर हो रहा है कि यह सिर्फ सत्ता के लालची है, यह गरीबों की जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। वही ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां दो चचेरे भाई जो है वो मौत हो गई है उनकी। एक युवक और एक युवक जो है, बता दें कि एक युवती और एक युवक इस मामले को लेकर घायल बताए जा रहे हैं, जिसका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीनों बता दें कि स्टैंड जो कि रिश्ते में चचेरे भाई है, ये तीनों लोग ललितपुर पढ़ाई करने के लिए आ रहे थे और इन तीनों को सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम बढ़वार से ललितपुर के लिए आ रहे थे कि रिप्टा पुल के पास गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और यह तीनों चचेरे भाई नाले में गिर गए। इस दौरान एक युवती भी चोटिल हुई है, जिन्हें बता दें कि जिसमें से अंशुल उफ कुल्लू जिनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, वही अनुज पुत्र शंकर जिनकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं शिवम जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है और निराशा जो कि अपने घर से सामान लेने आ जा रही थी, ये भी घायल हो गए हैं। इन सभी का एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने बता दें कि अंशुल और अनुज को मृत घोषित कर दिया है। वहीं दोनों घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। परिजनों को जैसे ही चचेरे भाइयों की मौत की खबर मिली, परिवार में कोहराम मच गया, मातम का माहौल हो गया। वही अब खबर रायबरेली से है, जहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। इस दौरान डंपर की टक्कर से बाइक सवार की युवक की अस्पताल ले जाने समय दर्दनाक मौत हो गई है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बांदा बहराइच हाईवे किनारे स्थित रानी खेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर कमल कुमार अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक से बछरावा की तरफ से आ रहा था। तभी सामने आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के साथियों ने उनके परिजनों को सूचना दी और सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं टक्कर मारने के बाद डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस दौरान कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झांसी में जहां पर अल अंसार हज और उमरा स्टर्स के बैनर तले आज उमरा पर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर शहर कांजे मुफ्ती साइबर कासमी में हज पर लाने जाने वाले यात्रियों को वहां पर एक एक अरकान को बड़े ही विस्तार तौर पर समझाया गया। मुफ्ती साइबर कासमी ने बताया है कि उमरा यात्रा पर जाने वाले हाजियों को कौन कौन से अरकान और किस किस जगह अदा करना है, इसके विषय में जानकारी दी गई। साथ ही अल अंसार हज और उमरा टर्स के बता दें कि ऑर्गेनाइजर कारी अंसार ने बताया है कि इस बार उमरा टर्स पर 72 लोगों की जत्था जा रहा है। झांसी में इसकी बड़ी तादाद में पहली बार ये उमरा टर्स जा रहा है, जिसमें 72 महिला और पुरुष शामिल है। वहीं महाराजगंज में सोना बेचने के नाम पर गिरोह द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि यह गिरोह नेपाल का सस्ता सोना बेचने के नाम पर ठगी करता था। इस दौरान गिरोह के कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 7 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। वहीं एसपी डॉक्टर कोस्तुभ ने ठगी के इस गैंग का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिहार और यूपी के कई जिलों से ठगी का तार जुड़ा हुआ है।
पुलिस अधीक्षक राय बरेली द्वारा थाना नसीराबाद के नवनिर्मित गेट का लोकार्पण किया गया है और थाने का निरीक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत थाना स्थानीय के समस्त अभिलेखों के रखरखाव और अग्रिंतु रजिस्टर महिला हेल्प डेस्क को देखा गया है और मलखाने के माल रजिस्टर और साथ ही माल के रखरखाव का निरीक्षण किया गया है। साथ ही थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ ही बता दें कि CCTNS पोर्टल्स कार्यालय के अभिलेखों और शास्त्रों के रखरखाव की समीक्षा की गई है और साथ ही इस दौरान परिसर, भोजनालय, हवालात, बैरिकों की साफ सफाई को लेकर भी निरीक्षण करते हुए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ARTO द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने वालों को गुलाब के फूल दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वाहन चालक सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए उनकी गाड़ियों पर एक पैम्पलेट लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें अपने परिवार की चिंता नहीं है और साथ ही ARTO द्वारा आम जनमानस को सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जागरूक किया गया है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के जो चला रहे थे उनको तो गुलाब का फूल दिया गया है, जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के नहीं चला रहे थे उनको दिया गया है कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है और मैं हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के नहीं चलाता हूँ। तो मुख्य तो उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूकता पैदा करना कि जो भी दुर्घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं वो बिना हेलमेट लगाए हो रही हैं और बिना सीट पहने हो रही हैं। तो मुख्य उद्देश्य है कि जनपद पीलीभीत में दुर्घटनाओं में कमी ला सके और लोग अवेयर हो सके। और ये पीलीभीत की खबर, जहां पर बता दें कि लगातार अभियान के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और जिन लोगों ने इस दौरान हेलमेट का यूज़ किया है, सीट बेल्ट का यूज़ किया है, उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है और जिन्होंने इसका यूज़ नहीं किया है, जो इस दौरान हेलमेट या सीट बेल्ट पहने नज़र नहीं आए हैं, उनके गाड़ियों पर एक पैम्पलेट लगाया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि हमें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। और पैम्पलेट के द्वारा बता दें कि देखिए किस तरीके से बाइक में एक पैम्पलेट लगाया जा रहा है और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हेलमेट को लेकर लोगों को समझाया जा रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ के लिए, अगर कल को कोई दुर्घटना होती है तो इस हेलमेट के सहारे ही आप बच सकते हैं। बता दें कि यह लगातार पीलीभीत की प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिस तरीके से ये बता दें कि लोगों में देखा जाता है कि वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, वे सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, जिसके बाद से ये प्रशासन ने ये जागरूकता अभियान चलाया, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ये जागरूकता अभियान चलाया गया है और इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया है, पैम्पलेट लगाया जा रहा है और इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि हमें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है और इस दौरान सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं नजर आए उनके ही गाड़ियों पर पैम्पलेट लगाया गया है, इस दौरान जो व्यक्ति हेलमेट में दिखे हैं उन्हें गुलाब के फूल देकर उनको सम्मानित किया गया और इस दौरान बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से स्काउट गाइड के बच्चे भी मौजूद हैं, किस तरीके से तमाम तरीके के बैनर लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टिकर के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि किस तरीके से हेलमेट और सीट बेल्ट जो है आपके लिए कितना ज़रूरी है। प्रशासन खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रही है। चलिए अब खबर संभल से आपको बताते हैं, जहां पर आवारा सांड का तांडव देखने को मिल रहा है, लोग लगातार परेशान है, सांड लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि एक और महिला को आवारा सांड ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रशासन की कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की बात कही है। आवारा सांड के हमले में महिला की मौत का ये पूरा मामला हत्या बता दे हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम
आढ़ोल का बताया जा रहा है। बताते थे कि पशुओं के लिए चारा लेने गई 35 वर्षीय महिला चंद्रवर्ती पर आवारा सांड ने हमला बोल दिया। इस दौरान महिला ने सांड से बचने का प्रयास किया, लेकिन खूंखार और हमलावर सांड ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया और इस दौरान अपने सिंह से उसे जमीन पर बुरी तरह से पटक कर उसे घायल कर दिया। और इस दौरान जब महिला शोर मचाने लगी तो उसकी आवाज सुनकर लोग वहां पर पहुंचे और किसी तरीके से उसे बचाया गया, लेकिन वह महिला उस दौरान लहूलहान हो चुकी थी। इस दौरान उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की डॉक्टर ने महिला को देखते ही उसकी मौत हो गई है ये बात कह दी, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सोचिए किस तरीके से ये सांड से लोग परेशान हैं और सांड लोगों की जान लेने पर कैसे उतारू नजर आ रहा है और किस तरीके से प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करती है और वन विभाग इसको लेकर कैसे कार्रवाई करती हुई नजर आती है, देखना दिलचस्प होगा। जैसा आप जानते हैं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजे का प्रावधान है और इसमें ये प्रावधान है कि यदि कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होती है किसी प्रकार से तो उसे मुआवजे में 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। वर्तमान प्रकरण में श्रीमती चंद्रवती वाइफ ऑफ स्वर्गीय उमेश की मृत्यु हुई है और उनके वारिस एक 16-17 साल की उनकी बिटिया है, तो उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चलिए बाराबंकी की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बता दें कि बेटे और बहू ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी है। बता दें कि बुजुर्ग मां का गला दबाकर ये बेटे और बहू ने उनकी हत्या कर दी। मामला बता दें इस दौरान बेटे और बहू से मां की नोकझोंक हो गई थी। बेटे और बहू ने इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया और साथ ही बता दें कि मौके पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बिलहरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां कलयुगी बेटे ने और बहू ने मिलकर अपनी मां की ही हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मामूली सी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी और इस दौरान बेटे और बहू ने मां को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झांसी जनपद के गोविंद चौराहे के पास स्थित मठिया महादेव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर में से एक है, जो काफी समय से अतिक्रमित था। कई हिंदूवादी संगठन के प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी यह मंदिर अतिक्रमण मुक्त हुआ है। बता दें कि एक समय वो था जब मंदिर का अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर उत्तर प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री और निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ के झांसी आगमन हो रहा था, लेकिन अन्य पार्टियों की सरकार होने के कारण उन्हें आने से रोक दिया गया। ऐसा एक बड़ा नाम है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का, जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, जो लंबे अरसे से हिंदुत्ववादी राजनीति कर रहे हैं और विश्व भर में प्रखर हिंदुवादी वक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। वहीं वर्षों पूर्व डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भी मठिया महादेव मंदिर आने का संकल्प किया था, लेकिन उन्हें भी झांसी पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। लंबे अरसे से यह संकल्प मन में ही संजोए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया झांसी प्रवास पर आए, जहां संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में रात्रि विश्राम के समय संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने मठिया महादेव मंदिर के संबंध में चर्चा की और इस दौरान बता दें कि उन्होंने जल अभिषेक करते की बात भी रखी। साथ ही सोमवार को प्रवीण तोगड़िया और संदीप सरावगी ने अपने समर्थकों के साथ मठिया महादेव मंदिर पहुंचे और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में हिंदू एकत्र हो गए और जोर शोर से हिंदूवादी नारे लगाते रहे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने स्वागत भी काफ़ी धूमधाम से किया गया। बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा सर्किल नानपाड़ा और साथ ही सर्किल मिहिपुरवा के विवेचकों का थाना, बता दें कि विवेचकों का थाना नानपाड़ा में अद्रली रूम
में किया गया है। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई है और उनके निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाना पर IGRS जन शिकायत महिला हेल्प डेस्क से प्राप्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। आज सर्किल नानपारा और सर्किल मिहिपुरवा का अर्दली रूम किया गया, जिसमें जो भी विवेचना 3 महीने से ऊपर पेंडिंग थी उनकी समीक्षा की गई और जिस कारणों से वो पेंडिंग थी उनके संबंध में जो है समीक्षा कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सभी विवेचकों को विवेचना गुणदोष के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। इसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, अभी 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी विवेचनाएँ पेंडिंग हैं बिना किसी कारण के उनको 7 दिन के अंदर समाप्त करें। यदि उनके द्वारा फिर भी लापरवाही बरती जाएगी तब इस थाने में कार्रवाई लंबित विचार किया जाएगा। सर, सबसे ज़्यादा किस स्थानों की विवेचनाएँ लंबित पाई गई? जैसे नानपारा और मोतीपुर, यहाँ पर थोड़ी सी विवेचनाएँ ज़्यादा पेंडिंग थी, लेकिन अधिकांशतः जो विवेचनाएँ हैं वो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।